और आइए बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन मामले में शिकंजा कसता ही जा रहा है। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत तेजस्वी का बयान दर्ज करेगी। ईडी हाल में दिल्ली समेत कई जगहों पर पड़े छापे के दौरान मिली संपत्ति के बारे में तेजस्वी से सवाल जवाब कर सकती है। सीबीआई पहले ही इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले में आज तेजस्वी यादव से पूछताछ है। जो संपत्ति मिली है छापे के दौरान, उस संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से। अतुल, तेजस्वी यादव जो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का नतीजा है कि उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन अगर हम ईडी की बात करें तो क्या आज संभावित पूछताछ हो सकती है? क्या महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं आज तेजस्वी से? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव जो है वो एनएफसी में अपने घर से इस समय निकल चुके हैं। ईडी दफ्तर उन्हें पहुंचना है और हम इस समय ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। ईडी की टीम जो है वो पूरे तरीके से तैयार है और जो ये पूरा लैंडफॉल जॉब मामला है, जब लालू प्रसाद यादव जो है वो रेल मंत्री थे तो आरोप ये है कि उस दौरान जो नौकरियां दी गई जो रेलवे के अंदर, उसके बदले में जमीन ली गई और उस जमीन के बदले जो है वो बड़े मॉल और इसके अलावा जो एनएफसी की प्रॉपर्टी जहां से अभी तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वो आ रहे हैं वो खरीदने का आरोप है। इसके अलावा जो एनएफसी का जो मकान है उसके अंदर एक कंपनी है जिसकी मालिकाना हक जो है वो भी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का बताया जाता है। सबसे अहम बात कि लैंड फॉर जॉब मामले के अंदर पहली बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, दो बार पहले बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब तीसरी बार तेजस्वी यादव को बुलाया गया था तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सबसे अहम बात यहां पर प्राची कि जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल कर चुकी है दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर और उसी को आधार बनाते हुए ईडी ने अपने पीएमएलए का केस अलग से रजिस्टर किया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब ईडी कर रही है। आपको याद होगा जिस दिन जो तेजस्वी यादव वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे, सेम उसी दिन मीसा भारती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। एक तरफ बहन से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी जबकि तेजस्वी यादव से सीबीआई के दफ्तर के अंदर, सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ हो रही थी। तो आज पहली बार ईडी ने जो पीएमएलए का केस रजिस्टर किया है उसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। जो एनएफसी का उनका घर है उसमें किस तरीके से वो घर लिया गया, इसके अलावा जो गुड़गांव के अंदर मॉल है, बिहार के अंदर जमीन है, वो तमाम तफ्तीश ईडी कर रही है। और जिस तरीके से सीबीआई की चार्जशीट को आधार बनाकर, यहां पर एक बात और अहम है प्राची की, लालू प्रसाद यादव इसके अलावा राबड़ी देवी और मीसा भारती तीनों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की थी और तीनों जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट से इस समय जमानत पर है। और जब ईडी ने पूरी इस चार्जशीट को आधार बनाकर पीएमएलए का केस रजिस्टर किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब ईडी कर रही है। मीसा भारती से पूछताछ एक राउंड की ईडी कर चुकी है और आज जो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लंबी पूछताछ ही होगी, माना जा रहा है कि लंच में वो निकलेंगे और उसके बाद दोबारा दूसरे राउंड की पूछताछ जो है आज छापे में हासिल किया है उसको लेकर पूछताछ हो सकती है। पूछा जा सकता है कि संपत्ति कैसे अर्जित की गई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।